नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार, मैं आपको आपका अपना चैनल महुआ गाछी ग्रीन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज एक ट्रेविंग ब्लॉग होने वाला है रक्सौल से सीतामढ़ी के बीच। देख सकते हो तो रक्सौल स्टेशन पे मैं पहुंच चुका हूं। यह ट्रेन की सवारी गड़ी है, बहुत ही मजा आएगा, तो आगे के जर्नी चलिए आगे मैं आपको करता हूँ। दोस्तों, देख सकते हो टिकट ले लिया गया है, दो नंबर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी लगी हुई है। चलिए आपका पूरा जो सफ़र है वो सफ़र मैं आपको करवाता हूँ। इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करो तो यह रक्सौल से सुबह 6 बजे निकलती है और पाटलिपुत्रा दोपहर 1:30 बजे पहुँचाती है। लेकिन यह ट्रेन जो मैं कवर करूँगा वह रक्सौल से सीतामढ़ी के बीच ही कवर करूँगा, और यही ट्रेन मैं कवर कर चुका हूँ, वह मुजफ्फरपुर से पाटलिपुत्रा के बीच ट्रेन कवर कर चुका हूँ। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक आता होगा, जाकर के आप देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ट्रेन का एंजॉय आगे करता हूँ और आपको भी इस वीडियो के माध्यम से ट्रेन का एंजॉय करवाता हूँ। तो रक्सौल से ट्रेन अब चल चुकी है। दोस्तों, 12 किलोमीटर सफर करने के बाद पहला स्टॉप आदापुर आ चुके हैं हम लोग। देख सकते हो ये आदापुर रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, 23 किलोमीटर सफ़र करने के बाद इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट जो है छौरा दानू, वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। देख सकते हो इस स्टेशन का लुक आप मेरे कैमरे के माध्यम से, और यह स्टेशन जो है वह पूर्वी चंपारण में पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आगे का सफ़र फिर आगे मैं करता हूँ इस ट्रेन से। छौरा दानू से यह ट्रेन निकल चुकी है। पैंतीस किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद इस ट्रेन का तीसरा स्टॉपेज जो घोड़ासान है, वहाँ पे आ चुका हूँ। देख सकते हो मेरे कैमरे के माध्यम से इस स्टेशन का पूरा लुक आप। यह स्टेशन जो है वह पूर्वी चंपारण में पड़ता है। चलिए तो फिर आगे का सफर आगे करते हैं। दोस्तों, 43 किलोमीटर सफ़र करने के बाद इस ट्रेन का चौथा स्टॉपेज जो है कुंडवा चैनपुर, वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। देख सकते हो मेरे कैमरे के माध्यम से इस स्टेशन का पूरा लुक। पचपन किलोमीटर सफर करने के बाद इस ट्रेन का पांचवा स्टॉपेज जो है बैरगिनिया, वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। देख सकते हो ये बैरगिनिया रेलवे स्टेशन है। यह बैरगिनिया रेलवे स्टेशन जो सीतामढ़ी जिले में आता है, और यहाँ से जो नेपाल बॉर्डर है बहुत ही कम दूरी पर है।
मार चुकी है ट्रेन तो चलते हैं आगे 61 किलोमीटर सफर करने के बाद इस ट्रेन का जो छठा स्टॉपेज जो है ढेंग वहां पे आए हैं और सिटी जो ट्रेन के लक्ष्य किसी कारण नीचे नहीं उतर पाए हैं देख सकते हो यहां पे सफाई भी चल रही है यात्रा किलोमीटर सफर करने के बाद इस ट्रेन का सातवां स्टॉपेज जो रीगा है वहां पे आ चुका हूं यह रीगा सीतामढ़ी जिले में आता है और सीतामढ़ी जिले का एकमात्र शुगर मिल जो है वह यहीं पे है रीगा में ही है तो चलिए दोस्तों 1 मिनट का स्टॉपेज है तो ट्रेन में चलना पड़ेगा फाइनली दोस्तों 22 किलोमीटर सफर करने के बाद मैं जगत जननी मां जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका हूं सफर का जो देखा जाए तो अच्छा ही था जो 2 मिनट बिफोर पहुंचाया है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर ले अगर आप यहां का जो वीडियो नहीं देखे हैं जो मैं यहां के मंदिर के ऊपर वीडियो बना रखा हूं जहां मां सीता का जो जन्म हुआ है उस जगह का तो आई बटन में लिंक आता होगा वहां से आप देख सकते हो तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों चलिए आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तो इस चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले